सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैंने बहुत जल्दी पूजा कर ली है। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मेरा मंदिर गुलाब के फूलों से सजा हुआ है। तो डेली का जो टाइम रहता है ना, तो उससे आज मैंने थोड़ा जल्दी ही पूजा कर ली है। यहाँ तक कि घर के सारे काम भी जल्दी ही ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे घर में मेरी जेठ जिठानी इटावा से। तो ये रही मेरी जिठानी, जो कि कैमरा देख के जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो भाग गई। इसके पहले भी कई बार मैंने आप लोगों के साथ में अपनी जेठ जिठानी के साथ में वीडियो बना के शेयर किया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरी जिठानी शर्मा रही थी तो वो नहीं आई कैमरे पे, और मैं भी बिजी थी, नहीं तो फिर मैं अलग से पूरा वीडियो बनाती। तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि भैया भाभी थोड़ी देर के लिए आए हुए थे। तो आए तो एक दिन पहले थे, लेकिन आज का ब्रेकफास्ट ना मेरे घर में था उनका, क्योंकि पहले से ही उनसे कह दिया था। और इस बार ना भैया भाभी 1 साल के बाद आए हुए हैं, 1 साल से 1 महीना ज़्यादा हो गया, बहुत टाइम के बाद में आए हैं इस बार। तो यहाँ पर देखिए चाय बन रही है, साथ में कटलेट की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस कटलेट मुझे फ्राई करना है। और जेठानी जी से बातें करती जा रही हूँ किचन में, मैं चाय भी बनाती जा रही हूँ। और यहाँ पर चाय बनने की रखी तो ना मुझे शुगर नहीं ऐड करनी थी, क्योंकि 1 कप मुझे विदाउट शुगर चाय बनानी थी और उसके बाद मुझे शुगर ऐड करनी थी। तो फिर मैंने ना 1 चम्मच डाली, फिर हाथ रोक लिए। खैर 1 चम्मच शुगर 3-4 कप के हिसाब से नथिंग रहेगी, तो इसलिए टेंशन नहीं हुई मुझे। और थोड़ा बहुत तो मीठा खा लेते हैं ये लोग भी। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और जिठानी जी से भी बातें करती जा रही हूँ। अच्छा लग रहा है, आज सुबह से सारे काम ख़त्म कर लिए, भैया भाभी आ गए और कोई आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। घर में सारी तैयारियाँ भी लग चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कटलेट की जो तैयारी है वो मैंने नहीं लगाई है, इन्होंने लगाई हुई थी। और ये जो कटलेट है ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसमें बीन्स है, गाजर है, शिमला मिर्च है और इसमें पालक ऐड की हुई है। पालक के कटलेट बन रहे हैं यहाँ पर। सारी तैयारी इन्होंने लगा दी है। मैं और भी काम करने में बिज़ी थी और भैया भाभी को 9:30 बजे आना था, तो आप समझ सकते हैं कि जब दोनों लोगों ने मिलके काम किया तब राइट टाइम पे हमारे सारे काम फिनिश हुए। और मेरी ना कल से तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब चल रही थी। कल तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी, इतना मेरे बैक में पेन हो रहा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी, यहाँ तक कि लेट भी नहीं पा रही थी। तो इनको ये लग रहा था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ये बार बार आ रहे थे कि थोड़ी हेल्प करा दूँ क्या, मतलब परेशान तो नहीं हो रही हो। तो मैंने कहा नहीं ठीक है। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। 10 बज रहा है और आज जल्दी जल्दी सारे काम किए हुए हैं घर के। हाथ की इसमें लगा हुआ है मसाला आलू का, क्योंकि बना रही हूँ कटलेट और मेरे जेठ जिठानी आए हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ, क्योंकि मेरा यही रहता है, मैं ब्लॉग बनाना भूल जाती हूँ, काम में लगी रहती हूँ। तो आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली और यहाँ देखिए बन रहे हैं कटलेट। ये देखिए अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, पूरी चाय बन रही है। तो फटाफट से पहले निकाल लूँ, फिर आपके संग शेयर करती हूँ। लो इसको जरा चला पाओगे, जैसे बताया था वैसे यहाँ सनी हूँ। आओ तनवे आओ, चिली टमाटर निकालो। हाँ हाँ दोनों निकाल, तीनों निकाल लो। स्नैक्स नहीं, चिली ये स्नैक्स और वो आजकल जो सीज़न चल रहा है ना, तो अब विंटर सीज़न आ गया है ना, तो हरी चटनी तो भाई सभी की फेवरेट है। कुछ भी बनते हैं ना तो हरी चटनी तो ज़रूरी हो जाती है। तो धनिया तो बहुत सारा आता है, पर चटनी बनने में भी ढेर सारा धनिया लगता है। तो धनिया ख़त्म हो गया था, सुबह से देख रहे थे कि शायद ठिलिया वाले निकले तो धनिया ले लूँ, पर नहीं निकला कोई भी। तो ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, ये शायद स्नैक सॉस है, मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाई है। मैं टोमेटो केचप वगैरह मंगा लेती हूँ और चिली सॉस वगैरह तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर ये कल मार्केट से ही सारी चीज़ें ले आए थे 3 बॉटल्स। तो मैंने सोचा चलो ठीक है लगा देती हूँ, देखती हूँ कैसा है। भाई मैं तो फर्स्ट टाइम खाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये सॉस वगैरह पसंद ही नहीं है। आपको ये कटलेट थोड़े से ब्लैक दिख रहे होंगे, ये इसलिए ब्लैक दिख रहे हैं आपको क्योंकि इसमें पालक ऐड की हुई है। अच्छा, और ये ब्लैक हैं भी नहीं इतने, बट कभी कभी कैमरे में ना कलर ऐसा आ जाता है। हाँ लेकिन कटलेट सच में बहुत ही टेस्टी बने थे, सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी कटलेट की। और बनाए तो इन्होंने थे, बस मैंने इनको डीप फ्राई किया हुआ था। तो ये देखिए फटाफट से बाकी के भी कटलेट बना ले रही हूँ।
हूँ, और हरा धनिया होता ना तो चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती कटलेट के साथ में, सॉरी चटनी से कटलेट और भी ज़्यादा टेस्टी लगते, पर अब कोई बात नहीं, काम चल गया था। और हाँ, ये स्नैक सॉस जो है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी तो मुझे अच्छी लगी, मतलब जैसे ये टोमेटो सॉस होती है ना, तो मुझे मैगी का पसंद है, लेकिन वो भी खा लेती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं खाती हूँ, लेकिन ये ना स्नैक सॉस मुझे सच में अच्छी लगी थी। चिली सॉस तो मुझे नहीं पसंद है, मार्केट वाली, मुझे तो ना घर की बनी हुई चिली सॉस जो होती है ना वो बहुत पसंद है, मेरी बड़ी दीदी बनाती थी तो मुझे बस वही पसंद आती थी, इसके बाद फिर मैं कभी भी चिली सॉस नहीं खाती हूँ मार्केट की। तो ये देखिए ट्रे लगा ली है नाश्ते की, और बाकी का जो ड्राई नाश्ता है वो पहले ही टेबल पर लगा चुकी। टाइम हो रहा है 11:10 बजे आए थे, 11 बजे चले गए हैं, 10:45 ऐसे ही आए थे। हाँ, तो चले गए हैं सभी लोग। अब यहाँ मुझे सामान समेटना है, नाश्ता वगैरह सब कर गए तो सब सामान समेटना है, और इसके बाद में शुरू करना है घर का काम, क्योंकि ना सुबह जल्दी जल्दी थी कि भैया लोग आ रहे हैं, नाश्ता वगैरह बनाना है, तो मैंने फिर ना पूजा वाले कमरे में किचन पोछा लगा लिया था, इस हॉल में नहीं लगाया था, वैसे भी डेली 2 बार पोछा लग जाता है तो घर साफ सुथरा पड़ा रहता है, तो मैंने सोचा चलो इसमें बाद में लगा लूँगी, वैसे भी सब लोग मतलब आएंगे जाएंगे खाएंगे पियेंगे तो कूड़ा करकट तो फैल ही जाता है, तो अब जाके काम शुरू करूंगी, ये लेथन पूरी समेटूंगी। चलिए फटाफट से अब काम समेट लेती हूँ, और सुबह से भागम भाग हो गई, और लेकिन सुबह से अगर ना सारा काम सफाई का क्लीनिंग का सब ख़त्म हो जाता है और राइट टाइम ब्रेकफास्ट भी हो जाता है ना, तो बड़ा सुकून सा लगता है कि मतलब सारे काम हो गए, चलो कोई नहीं अब लंच का काम रह गया है। बट तो आज मेरे लंच की भी छुट्टी हो गई, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट करके आउट ऑफ सिटी चले गए थे तो लंच भी वहीं करेंगे, तो फिर आज तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई सारे कामों से। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह सभी लोगों ने किया हुआ था, तो बस उतनी मुझे क्लीनिंग करनी है, और इस वाले रूम में मैंने मोपिंग नहीं की थी तो बस मुझे मोपिंग भी करना है इस वाले रूम पे, साथ ही साथ मुझे आकर्षित को भी लेने जाना है, आकर्षित गए हुए हैं कोचिंग, तो आकर्षित को कोचिंग से लेने भी जाना है, क्योंकि 11 बजे गए हुए थे और 1 बजे छुट्टी होनी थी, तो मैं जल्दी जल्दी से काम करने में लगी थी, लेकिन ना बस वही होता है सारा काम समेटो सब करो तो घड़ी तो रुकने वाली नहीं, घड़ी तो अपनी ही स्पीड से चलती है, तो आकर्षित के लिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था, तो मैंने ना मोप तो नहीं कर पाया था, लेकिन अब जब आकर्षित को लेके आऊँगी उसके बाद मैं मोपिंग करूँगी। लेकिन हाँ, मैंने पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर दिया था, सारी चीज़ें जगह पर रख दी थी, किचन तो मेरा घर सिमटा हुआ था, पूरा समेट लिया था किचन मैंने पहले ही, और हाथ के हाथ काम करती जा रही थी तो किचन का काम इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ था, सारा काम हो गया था। बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूंगी, और झाड़ू लगाने के बाद में 12:30 यहीं पर हो गया था, और आकर्षित को जहाँ मुझे लेने जाना है कोचिंग के लिए काफ़ी दूर पड़ता है, मतलब 15 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं पैदल जाने में, तो मुझे आकर्षित को भी लेने जाना है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से रूम खाली क्लीन कर दूँ और मोपिंग तो मैं आके भी लगा लूँगी। तो बस मैं रूम क्लीन करने लग गई थी, कपड़े वगैरह मैंने मॉर्निंग में धो के रख दिए थे तो कपड़ों को भी फैलाना है, तो जो भी काम अब मेरे रह जाएंगे झाड़ू लगाने के बाद में वो मैं बाद में ही करूँगी, जब मैं आकर्षित को लेके आ जाऊँगी उसके बाद ही मैं सारे काम करूँगी, और देखती हूँ अगर लंच कुछ आकर्षित खाएंगे तो बना दूँगी, नहीं तो फिर बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर दूँगी, और बच्चों का तो आप जानते ही हैं, घर में रोटी सब्जी ना खिलाइए आप, दाल चावल ना खिलाइए, बाज़ार का डेली देते रहिए। लेकिन फ़िलहाल मैंने बाहर से भी कुछ भी नहीं ऑर्डर किया हुआ था, क्योंकि मैंने ना वीडियो तो शाम को एडिट किया हुआ है, तो ये देखिए सारा घर लगा दिया है मैंने अच्छे से, और आप जितनी बार भी घर लगाओ ना उतनी बार कम है, क्योंकि लौट फिर के 1 घंटे बाद फिर वही हालत हो जाती है, मेरे घर में ये कुछ ज़्यादा ही होता है, मतलब आधे घंटे भी घर मेरा साफ़ सुथरा नहीं रह सकता है, पता नहीं क्यों यहीं पे आके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे साथ में। तो यहाँ पर फटाफट से मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ और जल्दी जल्दी काम करके फिर मैं जाऊँगी आकर्षित को लेने। आज का तो जो मॉर्निंग थी मेरी बहुत अच्छी रही, क्योंकि भैया भाभी भी आ गए, जब कोई आता है घर में तो बड़ा अच्छा लगता है, मस्ती मजाक भी हो गया, और मेरी जेठानी का जो नाती है वो भी आया हुआ था, तो सारे काम हो गए हैं मेरे। अब जाऊंगी मैं आकर्षित को लेने, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि जाने में भी टाइम लगता है, तो बस फटाफट से हाथ मुँह धो लूँगी और
बालों में कंघा वगैरह कर लूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी आकर्षित को लेने के लिए। काफ़ी लेट होता जा रहा है। और पता है मैं ना मॉर्निंग वॉकिंग के लिए बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन नहीं जा पा रही थी, पर अब सोच रही हूँ मैं कि इवनिंग वॉकिंग शुरू कर दूँ, क्योंकि मॉर्निंग का तो शेड्यूल बन ही नहीं सकता है, बेटे के स्कूल की टाइमिंग जो है ना वो ऐसी हो गई है, तो मुझे इवनिंग वॉकिंग ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को किसी भी रीज़न में पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो एवरीवन, और साफ सफाई कर ली है, सिर्फ मुझे मोपिंग करनी। तो अभी ना मैंने घर तो पूरा लगा लिया है और टाइम हो रहा है 12:30 और मुझे जाना है आकर्षित को लेने, क्योंकि आकर्षित गए हुए हैं कोचिंग, तो आकर्षित को लेने जाना और ये चले गए हैं आउट ऑफ सिटी, तो मुझे ही जाना पड़ेगा लेने के लिए। और अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, सोच रही हूँ लंच की तैयारी कर लूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो है नहीं खाने के लिए, आकर्षित से पूछना पड़ेगा आकर्षित क्या खाएंगे, तो सोच रही हूँ तैयारी ही बना लूँ, आकर्षित भी खा लेता है। फिलहाल अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं तैयारी वगैरह बना के फिर लेने जाऊँगा आकर्षित को, तो सोच रही हूँ चावल वगैरह भिगो दूँ, उसके बाद में मैं लेने जाऊँ। जब तक आऊँगी लौट के तब तक चावल वगैरह भी अच्छे से भीग जाएंगे और जल्दी से कुक भी हो जाएंगे।